फंडरेजिंग डिनर हो रहा है यहाँ पे फंडरेजिंग का ट्राई पॉइंट में, तो आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ यहाँ। In the name of Allah, the gracious and merciful, hast thou not seen how thy Lord dealt with the people of Elephant? Did he not cause their plan to miscarry? And he sent them against, he sent against them swarms of birds, which ate their carrion, striking them against stones of clay, and thus made them like broken straw eaten up.
थैंक यू सो मच कश्यप. तलावत कुरान पाक के बाद मैं नात के लिए बुलाऊंगी मोहम्मद अहमद को कि आए और प्लीज हमें कुछ वर्सेस नात के सुनाएं. हो तू देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है शे मुहल्ला हुजूर जानते हैं खबर कहीं से पढ़ो दरूद पर के तमाम देर का नक्शा हुजूर जानते हैं कहाँ
So what is actually physical disability? Physical disability is when you cannot perform everyday living, when you cannot perform the simple task of the living. So what we do, we just put these people separate from the society. हम सोचते हैं कि वो लोग society का हिस्सा नहीं हैं, वो society के काम नहीं आ सकते, उनको हम अपने ऊपर बोझ समझते हैं। तो हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए जो कि उन लोगों को माशरे का जो है वो एक इक्वल शहरी बनाना चाहते हैं और उनकी हेल्प करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कि हमें आगे बढ़ के जो है मदद करनी चाहिए। आप देख सकते हैं, दिस इज एन इनसाइड व्यू ऑफ अल्बिडर्सिव ट्रस्ट, हाउ दे हैव अ लाइक ब्यूटीफुल बिल्डिंग एंड दे हैव अ नाइस एनवायरनमेंट, दे क्रिएटिंग पार्टिसिपेंट पीपल। Okay, that's the end of my presentation. I'm not going to take a long time. So now I'd like to share a few messages with you guys. If I have your attention, please. Can I have video, Kashyap? Thank you.
Al-Qudsi Trust to come and say a few words. If everyone can have a few moments of silent peace. It's quite a noble cause. I know you guys are here with your family for iftar. You will have really good time, but it's really for a noble cause. So if you can just give 5 minutes to listen, so maybe it can generate like more goodness for you for your Rumika. Mr. Al-Qudsi, please. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले तो मैं सभी करता हूँ कि मैं उर्दू बोलता हूँ, मुझे इंग्लिश भी आती है। मैं फ्रांस में रहता हूँ। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ अकबर भाई का, तो कश्मीर का जिन्होंने मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और आपसे बातें कर सकूँ, अपने बारे में बता सकूँ। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 1980 से फ्रांस में हूँ। मेरे अपने 4 बहन भाई स्पेशल हैं। तो ये जब मैं फ्रांस में आया तो मेरी उम्र उससे इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन ये एक मन्नत ले कि मैं पाकिस्तान से आया कि अगर अल्लाह ताला मुझे दे तो मैं पाकिस्तान में जाके स्पेशल लोगों के लिए कुछ काम करूँ। क्योंकि मेरे बहन भाई स्पेशल थे, मैंने 4 बहन भाई थे। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी माँ को परेशान देखा। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है फैमिली के लिए, जिसमें ये स्पेशल लोग होते हैं। मेरा कल के गांव से था और मेरे बहन भाई पढ़े नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे स्कूल नहीं था। तो जब मैं बाहर आया तो मैं अपने भाई जो हैं उनको भी मैं साथ ले कर आया। तो जिस तरीके से इन लोगों ने ट्रीट किया मेरे भाई उनके साथ, तो मैंने यहाँ सीखा। तो फिर मैं वापस गया। 1999 में ये स्कूल शुरू किया मैंने। तो इस वक्त जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये 23 एकड़ पे है। 500 से ज़्यादा बच्चे हैं, रेजिडेंशियल आ रहा है। इस कम्प्लेक्स के अंदर 3 स्कूल है। स्कूल पर ब्लाइंड है, स्कूल पर डेथ है और स्कूल पर एन डी सी लर्निंग डिसबिलिटी कनेक्ट बच्चों के लिए फिजिकली अच्छे बच्चे उनके लिए। तो यही मैं बताने के लिए आया कि मैंने इसे अकेले किया। तकरीबन अगर इस वक्त आप देखें तो 23 एकड़ पे है, पूरी वीडियो चली नहीं है। अगर आप उसको देखते हैं कि मैं आफ्रिकन फ्रेंच लेके गया हूँ, मैंने बड़े दिल से इसको जी। तो अभी इसकी 2 ब्रांचेस हमने मजीद बनाई हैं। एक बरनाला बंदर जात कश्मीर में जो ऑपरेशनल है और दूसरी दीना में। ये दोनों ब्रांचेज हैं वो भी ऑपरेशनल है। तो मैं आप जितने यहाँ पे पाकिस्तानी यहाँ बैठे हैं, जितने मुसलमान बैठे हैं, जो बहन भाई हैं, मैं ये करूँगा कि पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे स्पेशल लोगों के लिए दारे नहीं हैं, खासतौर पर रूरल एरिया में कोई दारा नहीं है। जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 70% वो कई इलाकों में। तो जो आपको अभी हो इसमें मदद करें, क्योंकि हम इसमें मजीद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हॉस्पिटल करवा रहे हैं इसके। मैं एक फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे यहाँ बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और हमारे पास तो इस वक्त पाकिस्तान हीरो अल-क़ुदसी हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि दोस्तों जब इंसान देखता है कि रोशनी उसको आगे से पड़ रही है तो उसका साया उसके पीछे होता है, और जब इंसान के पीछे से रोशनी पड़ती है तो साया उसके आगे आ जाता है। ये रोशनी ये हमारा दीन है और वह साया वो दुनिया है। अब अगर
अब अगर हमने दुनिया को आगे करना है तो ये आगे भागती जाएगी और हम इसी साई के पीछे पीछे भागते थक जाएंगे। और अगर हमने दीन को आगे करना है तो वही दुनिया हमारे पीछे होगी और जब हम आगे चलेंगे तो ये हमारे पीछे पीछे चलती आएगी। आज की दुनिया में हर इंसान जो एक मसरूफ जिंदगी गुजारते हुए ऐसे दुनिया में खो चुका है कि उसको अपने दूसरे करीबी दोस्तों रिश्तेदारों और उनका ख्याल नहीं है, तो इसमें हमारे पास जो मुदस्सर हुसैन शाह हैं जी मुदस्सर हुसैन शाह हैं वो इस नोबल कॉज के लिए पाकिस्तान में जो डिसेबल और स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने जो खास बंदे चुने होते हैं उनमें से वन ऑफ एक हैं सैयद मुदस्सर हुसैन शाह। और आप सबसे गुजारिश है कि आप अगर इस नोबल कॉज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो आपकी मेहरबानी शुक्रिया। खुदा हाफिज़। The minimum we can do here is at least listen to him with proper concentration and attention. मैं चाहूँगा क्योंकि मेरी अपनी भी दृष्टि के भी पूरी नहीं हुई है, मैं चाहूँगा कि अभी इफ्तार का टाइम हो गया है, इस इफ्तार के बाद मुदस्सर साहब एक बार दोबारा आके प्रोजेक्ट को थोड़ा हाईलाइट कर दें और बताएं कि उसके अंदर क्या हो रहा है और जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ की इस वक्त एक बड़ी ऑब्वियस नीड है, रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उसको फुलफिल करने के लिए एक बंदे ने जो स्टेप उठाया है उसके अंदर हम लोग आगे जाके कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो मुदस्सर साहब के इफ्तारी के बाद आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट यू टू कम बैक एंड हाईलाइट द प्रोजेक्ट अगेन वन मोर टाइम। जज़ाकअल्लाह।
I'm going to go to the next one.
खाना खा लें, नमाज पढ़ लें, फिर कंटिन्यू होगा। Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
May I have your attention again? Okay, so we have almost an hour break here. अब मैं जो मकसद था आज की इफ्तार का यहाँ पे, मैं उस मकसद को हाईलाइट करना चाहूँगा। इनके प्रदर्शन के लिए सर। वो जो स्लाइड्स हैं सर, स्लाइड एक सेकंड चलाए सर आप, ताकि हम हाईलाइट कर सकें दोबारा इस प्रोजेक्ट को। ये जो प्रोजेक्ट मुदस्सर साहब ने खुद स्टार्ट किया था आज से 25 साल पहले, अटेंशन प्लीज प्लीज ये थोड़ी देर के लिए फोकस करें जो ऑब्जेक्टिव है हमारा आज का, हम इसको आगे मूव ऑन करें। ये स्लाइड को जरा देखें, इस क्लिप को जरा गौर से। ऑडियो प्रॉब्लम भी पहले हमने बॉडी प्रॉब्लम जो सही कर दी है, आपकी खामोशी से साउंड बेहतर आएगी। जैसे बताया है मुदस्सर साहब ने पहले, ये कॉम्प्लेक्स अल मुदस्सर ट्रस्ट की तरफ से इसके तो चार सेगमेंट्स हैं जो कि कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर सर्व कर रहे हैं, जिनकी हियरिंग एंड विजुअल डिसेबिलिटीज हैं। मैं मुदस्सर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वॉशरूम को बुलाएं प्लीज। This error is not intensive as a printing of a area of an easy mountain ground. A state of all the vision methods for physically and mentally challenged kids is changing the lives of millions of special children. Educational facilities for such children are rare in Pakistan, but the residents of Khana and surrounding areas are lucky to have a religious-based special education plan. And this is
जबकि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो गई बातें हैं। तो ओपन है कि आप इसमें बढ़कर हिस्सा लेंगे और हम जल्दी इसकी कंस्ट्रक्शन को कम्प्लीट करें ताकि स्पेशल लोग जो हैं उससे मुझे बहुत थैंक्यू सर। तो मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त इस ट्रस्ट के सेंटर के अंदर इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसे फायदा और उठा रहे हैं? इस वक्त जो मेन ब्रांच हमारी तालियाँ की है यहाँ 450 से ज़्यादा बच्चे हैं और 150 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं। दूसरी ब्रांच हमारी बरनाला इंटरजात कश्मीर में है, वहाँ 84 या 85 बच्चे हैं। फिर दीना में हमारी ब्रांच है, वहाँ भी तकरीबन 10-60 बच्चे हैं। और ये जो एक बच्चा आता है इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी आती है, कितनी आप डोनेशन के जरिए करते हैं और कितनी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट उसकी परसेंटेज बनती है? एक बच्चा जो है उसकी रनिंग कास्ट, उसकी जो स्पॉन्सरशिप कास्ट है वो है थर्टी आपके डॉलर जो हैं वो पर मंथ वो बनते हैं। और जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं उसका डबल यानी 60 डॉलर। अकोमोडेशन एंड एजुकेशन दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर भाई, आप इधर ही रहें। अभी मैं अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आप सबसे हजरात से मैं गुजारिश करूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोनों में से रमजान का महीना है और जो कि नीडेड एक डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान, जहाँ पे इन जैसे साहब जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं, इनकी सपोर्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं? तो प्लीज़ रेज योर हैंड एंड आप एक बच्चा स्पॉन्सर करना चाहें, आप दो बच्चे स्पॉन्सर करना चाहें या आप वन टाइम डोनेशन देना चाहें। ओके थैंक यू। मेरे पास आपका क्या नाम है? चौधरी साहब ने $360 का चेक दिया है, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा क्लैपिंग प्लीज के लिए। इसके साथ मेरे साथ सईद मियो साहब हैं, इन्होंने $500 की डोनेशन जो है दी है, थैंक यू सो मच। वो ये शेख अली साहब ने $100 कैश दिए हैं, थैंक यू। और तारिक महमूद के $100, आपने अपना नाम नहीं बताया। खालिद शेख साहब की तरफ से भी डोनेशन है, चलिए एनवेलप के अंदर है तो इस तरह रखा हूँ यहाँ पे। और फिर आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली, $200, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली। ताहिर महमूद $100, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साजिद की तरफ से $400, थैंक यू सो मच। और ये $300 भी डॉक्टर साजिद साहब की तरफ से $700 टुगेदर इनका है। शबीर चौधरी साहब ने यहाँ $1,000 पेज कर दिए हैं, थैंक यू सो मच। एहसान बदर की तरफ से $100, ये पकड़ लेना ही है ले जाएंगे यहाँ से काम ना ना पाएगा। भाई आपका नाम? ये भाई ने अपना नाम नहीं बताया, $100 इनकी तरफ से आए हैं, थैंक यू वेरी मच। सो आई एम श्योर मुदस्सर साहब, ये आप यहाँ पे जो जज्बा देख रहे हैं, ये हमारी कौम का जज्बा जो हमारी जिससे हम अपने मुल्क से डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं, रूट से डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं, तो ये आपकी पहली एफर्ट के ऊपर ही जिस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जवाब अल्लाह सर, थैंक यू, थैंक यू सर। और कोई भाई बहन हमारी यहाँ पे अगर आप
quietly, discreetly देना चाहें तो please one of the organizers यहाँ पे आप उनसे contact कर लें, we'll write it down here. हम आपसे अगर अभी आपके पास नहीं है, इस वक्त चेकबुक नहीं है या कैश नहीं है या बाद में देना चाहें तो हम आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. आप ऑनलाइन भी जाके डोनेट कर सकते हैं और अल्कोदसर ट्रस्ट डॉट ऑफिशियल चाहिए फेसबुक पेज है और जो वेबसाइट है वो है almudassar.org. तो ये अल्मुदस्सर है almudassar.org. I'm pretty sure अगर स्पेलिंग अभी आपके सही नहीं कि यहाँ पे आते हैं आपको अल्मुदस्सर ट्रस्ट को अगर आप आप अल्मुदस्सर ट्रस्ट को गूगल कर लेंगे तो ये पेज जो है सामने आ जाएगा. एक भाई अभी आए हैं और इन्होंने $500 का चेक दिया है और इन्होंने रिक्वेस्ट किए कि मैं इनका नाम ना अनाउंस करूं. सो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह ताला कबूल फरमाए. इसके अलावा और कोई भाई बहन हमारा ये एक और भाई हैं हमारे, थैंक यू सो मच, $100 इन्होंने दिए हैं. एक और भाई भी $100 जो है यहाँ पे देके गए हैं. अभी तक हमारे पास $3,800 अप्रॉक्सीमेटली इकट्ठा हुआ है जो कि इन्होंने कैलकुलेशन की है शिव साहब अभी. अभी अगर हम थोड़ी सी अफर्ट करें तो हम इसको 5,000 तक लेके जा सकते हैं जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 4,00,000 रुपया से ऊपर बनता है. और अगर उसको हम डिवाइड करें तो अच्छा, ये मुदस्सर साहब ने मुझे अभी आगाह किया है कि ज़कात और फितर जो है वो भी दिया जा सकता है इसके ऊपर. भाई आप ये भाई ने हमें $100, $75 हमें दिए और थैंक यू सो मच. तो अब हम पहुंच गए हैं तकरीबन 3,900 के करीब, $1,100 हमने इतनी थोड़ी सी एफर्ट के अंदर हमने इतनी अमाउंट जनरेट कर दी है जिससे $30 पर पर्सन के पर स्टूडेंट के हिसाब से ये हम इस वक्त 100 स्टूडेंट्स एक महीने की जो है हमारी अमाउंट रेज हुई है. और मेरा कोई भाई कोई बहन बच्चा एनीवन ये नेक कॉज है हमारा. और ये पहली अभी इन्होंने जिस तरह बताया अभी तो इन्होंने ऑफिशियल फंड रेजिंग जो ऑर्गेनाइज तरीके से होती है वो अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं की है. ये तो मोर लाइक एक इंफॉर्मेशन सेशन था जिसके अंदर हम इन्फॉर्म करना चाहते थे इन एफर्ट्स का जो की जा रही है उसके अंदर हम लोगों ने ये अमाउंट रेज की है. सही साहब आप कुछ इस बारे में बात करना चाहेंगे? रमजान का महीना है तो मेरा ख्याल है तकरीबन हम सब जो है ज़कात अपने अपने इलाकों में या अपने अपनी पसंद की चाय जिसमें देते हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरफा ये जो मुदस्सर साहब ने मुदस्सर ट्रस्ट जो है आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आप वहाँ जाके उसको फिजिकल देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये किसी एक आदमी का काम है.
और वो बच्चे उनमें से कोई एक भी अल्लाह ना करे किसी हमारी फैमिली में होता तो उसको पालना ही कितना बड़ा काम होता। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक इंसानियत का सबसे बड़ी काज है जो कम से कम 500 बच्चे वहाँ रखे हुए हैं और उनको वही तालीम वही ज़िंदगी वो दे रहे हैं जो कि एक आम आदमी एक नॉर्मल आदमी जो है वो ज़िंदगी गुजारता है। तो मैंने तो जब से सुना था तो तब से इंशाल्लाह उनको सपोर्ट भी करता हूँ और ये अभी बिल्कुल शार्प नोटिस पे आए से दो दिन के नोटिस थे फ़रहान से, हालांकि मैंने उनको मना किया था कि ये रमज़ान का महीना है यहाँ लेक्चर हो रहे हैं और काफ़ी दोस्त आ रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ये पहला विजिट है तो मैं कम अज़ कम लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ और इंशाल्लाह हम ये अल-मुदस्सर ट्रस्ट के लिए नेक्स्ट ईयर इनको बुलाएंगे और मेरी जो ख्वाहिश होगी कम अज़ कम ये लाख डर पैदा करते हैं और उसका 10% जो है वो मैं दूंगा अपनी जेब से नेक्स्ट ईयर जब ये आएंगे। तो अभी आप लोगों से गुजारिश है कि जिस जिसने भी किसी ने अभी नहीं दे सकता घर जाके नाम लिखा दे तो दोस्त यहाँ रहते हैं आप उनको बाद में भी दे सकते हैं या अपने दोस्तों को फ़ोन करें कि ये कितनी अच्छी काज है कि किस तरह की इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है मैं इनको बचपन से जानता हूँ एक साथ हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी हुई है। तो हमें चाहिए कि ये थोड़े बहुत पैसे हैं अपने फिर यहाँ से कमा लेने हैं ये तो इसके बाद जाके पिछले 15-20 साल से और आगे भी अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे इनके साथ इन्होंने गुजारनी है यही इनके बच्चे हैं। तो प्लीज़ आप मैं गुजारिश करूँगा कि अगर $1,000 और हो जाए तो 5,000 पूरे हो जाते हैं। ये मेरे पास अनाउंसमेंट है ये मेरे साथ साहब यहाँ पे खड़े हैं ये PTI कैनेडा के नौजवान चैप्टर के कोऑर्डिनेटर हैं और इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है कि यहाँ की आज की जो गैदरिंग है इसकी सारी स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी ये इस हॉल के साइड के ऊपर जितनी भी गैदरिंग है इसकी जो स्पॉन्सरशिप है वो इनकी तरफ से है। तो ये भी एक डोनेशन है इनकी तरफ से थैंक यू वेरी मच इनकी इंटायर टीम का थैंक यू वेरी मच जिन्होंने यहाँ पे एफर्ट्स किए और यहाँ पे आए। और ये आदिल साहब मेरे साथ खड़े हैं ये भी इस चप्पे के साथ मुंसलिक हैं और ऑल्सो ही दी ओनर ऑफ दिस लवली प्लेस हियर। इन्होंने मुझे ये इन्फॉर्म किया है कि इस साइट के ऊपर जितनी भी रेस्टोरेंट के साइट के ऊपर जितने भी लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस गुड कॉज के लिए उसकी जितनी भी प्रोसीड्स होंगी वो सारी की सारी प्रोसीड्स इस साइट वाले तकरीबन 100 बंदा बनता है इसकी सारी की सारी प्रोसीड्स जो है वो ये डोनेट करेंगे आप मुदस्सर ट्रस्ट को। सो थैंक यू वेरी मच। ये जो छोटी सी बुकलेट है अल-मुदस्सर ट्रस्ट की यहाँ पे पड़ी हुई आपके टेबल्स पे भी पड़ी हुई है और यहाँ पे हमारे फ्रंट के ऊपर टेबल्स पे भी पड़ी है स्टोर पे भी पड़ी है आप ये प्लीज लेके जा सकते हैं अपने साथ इफ यू फाइंड इफ यू वांट मोर इंफॉर्मेशन। ये वाली बुकलेट है ये 4 पेजेस की बुकलेट है। इसके अलावा मैं फिर दोबारा क्योंकि मुझे पता है ईशा की नमाज होनी है लोगों ने पार्टी पे जाना है अब बच्चे भी यहाँ पे हैं घर पे भी जाना है आप लोगों ने मैं दोबारा एक गुजारिश करूँगा कि लेट्स मीट द टारगेट ऑफ 5,000। कोई भाई यहाँ पे मौजूद है जो कि हमें हेल्प आउट कर दे और ये जो टारगेट हमने रखा है अभी ये टारगेट एक्चुअली पहले से तय चुका भी था लेकिन आपकी जेनरॉसिटी देख के हमने अब ये टारगेट सेट कर दिया है। अगर इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज रेज योर हैंड और कॉन्टेक्ट अस एनीवन। सही भाई अब आप भी कुछ बोल दें
अब बस आप मैं आपको मेरे दावा देता हूँ आप कुछ कुछ बहुत अदा कर दें बस सब मेहमाना ने जाने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और इन शाह नेक्स्ट टाइम वो हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे क्योंकि बड़ी जगह से और बाकी भाग और थैंक्स अलॉट फॉर कमिंग अच्छा ये साबित भाई ने मैंने मेंशन करने को चीज भी लेनी चाहिए मे बी आई वाज दैट ईयर आल अनाउंस इट अगेन हियर दिस बुक लाइक हियर कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ट्रस्ट आई वाज अ ट्रस्ट प्लीज टेक इट होम बिकॉज दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट एंड व्हाट एग्जैक्टली अल मुदस्सिर ट्रस्ट इज डूइंग एंड हाउ इट्स सर्विंग द कम्युनिटी इन पाकिस्तान द नीडेड वंस इनके चार सेंटर्स हैं इनके बारे में पूरी डिटेल इसके अंदर है इसके साथ इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट फेसबुक पेज ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है एंड ऑल्सो इट टेल्स यू हाउ यू कैन हेल्प हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट व्हाट इट टेक्स हाउ मच इट एक्चुअली कॉस्ट एंड यू नो $30 शायद हमारे लिए इतनी बड़ी अमाउंट ना हो यहाँ पे लेकिन इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ इन पाकिस्तान You know, and a very much needed one too. So please, we've got these booklets here. Okay, take one and again, अगर आपको कोई अगर नहीं मिलती है, रابطہ करना चाहें, तो ये जो रेस्टोरेंट है, आपको पता है कि इन्होंने भी क्यों कंट्रीब्यूट किया है. आप इसी जगह पे वापस आके इनके ओनर से मैनेजमेंट से यहाँ पे आके रابطہ कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हासिल कर सकते हैं. मैं सब ऑर्गेनाइजर्स का सब अटेंडीज का मीडिया का मसई मेयर साहब का अकबर का आदिल का शबीर चौधरी साहब का एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अमदस्तर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर यू नो हैविंग दिस वंडरफुल इवेंट टुनाइट थैंक यू जज़ाकअल्लाह